कहे के का भाई ने साहब जीत गेली उमेश कुमार कुशवाहा नोटी काटे वाला लोग के वोट दिया महाराज और बिहारी सबसे नीचे जाइए छू ना एमें सोच के बा ना एकदम नहीं के सोच के महाराज हिना साहब जीते तरी ललकार के किससे है ये तरफा जीत है ये तरफा जीत है मैडम का अरे तो स्टेपनी का जरूरी बा कि जाके जे बोले ओकरे के जीतावल जरूरी बा महाराज दूर दूर तो कहूँ नहीं के रो आज लिखवा ली हमारा से हमारा नाम संजय कुमार गुप्ता है बेलवार घर कौन सा पंचायत का मई और उन्हीं के नाम से हम लोग गोल्फ में भी अच्छा व्यवहार और सम्मान पाते हैं आज जो हम लोग इंटरनेशनल लेवल के नेता थे हमारे साहबुद्दीन साहब गोल्फ में पूरे गोल्फ में और यूरोप कंट्री में भी उनका नाम है हाजीपुर में जो रामविलास पासवान जी का जो रिकॉर्ड है लोकसभा में वो रिकॉर्ड हिना मैडम अबरी बार सिवान में रामविलास पासवान जी का रिकॉर्ड नहीं है सिवान में हिना मैडम तोड़ेगी मिठाई खाना है मिठाई तो शुरू हो गया अभी से अभी हम मौजूद है रघुनाथपुर इलाके में यहाँ रघुनाथपुर की जनता हिना मैं हो गई है 13 नंबर टेम्पू छाप पर जीत कर विजयी बनाना है वोट दे करके विजयी बनाना है हिना मैडम जैसा कोई प्रत्याशी अभी नहीं है भावी अभी जो वर्तमान चुनाव चल रहा है उसमें ऐसा कोई भी प्रत्याशी नहीं है पढ़ा लिखा शिक्षित जो विकास का असली मायने समझता हो स्वास्थ्य में शिक्षा में रोड नाला लोगों की सुरक्षा ये हिना मैडम से बेहतर कोई नहीं जानता है एक अनुभवशील महिला है सबके प्रति न्याय करना इनके पूर्व से ही इनकी आदत है वो प्रत्याशी अंगूठा छाप है घर से उठा करके लोकसभा का जो मायने नहीं समझती है वो विकास क्या करेगी वो घर की महिला है रोटी पकाना उनका काम रहा है जो लोग उनके पति हैं जो राजनीति में उनको लाए हैं उनका इतिहास दागदार रहा है लोगों को रंग बदल बदल के कभी राजद में कभी उपेंद्र कुशवाहा में कभी आपको जदयू में कभी माले में गरीबों से ले भी वसूलते रहे हैं और इस बार करोड़पति बनने के लिए लोकसभा के चुनाव अपनी पत्नी को लड़ा रहे हैं क्या होगा इस बार जनता क्या करेगी इस बार हिना मैडम को छोड़कर कोई जीतने वाला नहीं है और सिवान का जो समुचित विकास 15 साल से रुका हुआ है वह फिर गतिशील हो जाएगा हिना मैडम के माध्यम से चलिए हिना मैं हो चुका है रघुनाथपुर के ये लोग थे और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे क्या कुछ कहेंगे हिना मैडम आ रही है यहाँ पे देखिए हम लोग तो परदेसी हैं हम लोग गल्फ में काम करने वाले आदमी हैं बहुत अफसोस के साथ हम लोग कोरोना में काल में हम लोग गल्फ में थे तब तक साहबुद्दीन साहब हमारे एमपी साहब के निधन हुआ था हम लोग को बहुत दुख हुआ आज जो हम लोग इंटरनेशनल लेवल के नेता थे हमारे साहबुद्दीन साहब नेशनल लेवल का नेता तो ये लोग है गोल्फ में पूरे गोल्फ में और यूरोप कंट्री में भी उनका नाम है और उन्हीं के नाम से हम लोग गोल्फ में भी अच्छा व्यवहार और सम्मान पाते हैं आज हम यही कहना चाहते हैं अपने रघुनाथपुर के 18 विधानसभा क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से हिना साहब को भारी से भारी मतों से विजयी बनाए कि फिर सिवान हमारा जिस लार सम्मान से जाना जाता था उस सम्मान से हम से हमारा सिवान जाना जाए बहुत लोग तो है लाल पीला वाला वो कुछ नहीं आज है तो जो है वो हमारे हिना साहब है हाँ बस इसके बाद हिना साहब है और भी लोग हैं यहाँ पे बातचीत करते हैं हिना साहब के स्वागत सबसे पहले आप मीडिया बंधु को हमारा सतत नमस्कार मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा लेकिन सिर्फ इतना जरूर कहूँगा कि हाजीपुर में जो रामविलास पासवान जी का जो रिकॉर्ड है लोकसभा में वो रिकॉर्ड हिना मैडम अबरी बार सिवान में रामविलास पासवान जी का रिकॉर्ड नहीं है सिवान में हिना मैडम तोड़ेगी मैं राकेश चौहान रघुनाथपुर 1999 से हम साहब के साथ रहते थे आज भी हैं मैडम के साथ में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा पूरा तैयार है जिला तैयार है रघुनाथपुर की बात छोड़िए ना मेरे भैया पूरे जिला तैयार है रिकॉर्ड रामविलास पासवान जी का टूटेगा अबरी बार सिवान में हिना मैडम के माध्यम से
बस इतना जान लिया, हम जनता जनार्दन ही उनका रिकॉर्ड रामविलास जी का माध्यम से मीना मैडम के साथ रह करके हम लोग तोड़ेंगे। कब एकदम मेहनत तो समझिए कि अब मेहनत दिन रात लगा हुआ है, हम लोग मेहनत करते हैं। चुनाव तो कार्यकर्ता ना जीतता है जी, नेता तो हमारे अपना मतलब अपना जनता कार्यक्रम कर रहे हैं, जनता से आशीर्वाद लेने करना तो हम लोग को है, हम लोग करेंगे, हम लोग रिकॉर्ड तोड़ेंगे रामविलास पासवान जी का, आप देखिएगा। कहेगा का भाई ना साहब जीत गई, और लोग एक जना चार नंबर, एक जाने के पता ना लगे कि कहाँ गए, आ एक जना जोन बाड़े कहते नहीं उनका चुनाव के बाद फिर दोबारा ना लोगी है सीवान में, तो ऐसा आदमी के हमनी के देख के क्या करम, जा हमनी के ऐसा आदमी के वोट दम जाए जे हमनी के सुख दुख में जॉब चाहे जा तब तो मिल जाओ, जब भेंट हो जाए ओसन आदमी के दिला से का फायदा हो कि पाँच बरी जाके एसी में सुत जी हैं, नोटी काटे वाला लोग के वोट दिया महाराज है जक सभे जानत, बताओ कब महाराज सभे जानत, छुपल नहीं है कुछ ना, ये मैं सोचे के बा ना एकदम नहीं के सोचे के महाराज, इना साहब जीते तरी ललकार के ये लोग पता ना लगी 25 तारीख के बाद इलो दिखाई ना दिलो। हाँ बिहारी औद बिहारी सबसे नीचे जाइ है ना पता चल, कहते बनी 25 तारीख के बाद कौनो जाना ना लौकी लो, अब बताइए वो सांसद में का जाके बोली जकर एमपी का फुल फॉर्म मालूम नहीं का, जकर ही नहीं का मालूम कि हम कौन चीज का चुनाव लड़त नहीं, तो पूरा कारबार संभालत रहू। अरे तो स्टेपनी का जरूरी बा कि जाके जे बोले ओकरे के जीतावल जरूरी बा महाराज, जाके रमेश को जी जाके बोली है का, जाके अंदरवा वो बोली है, जाके पता चली गए कौन धैले बाड़ी बुझा दे सिरसोत्ता खाने ठीक बा कोना में मिठाई खाना है, मिठाई तो शुरू हो गया अभी से, हाँ मिठाई तो आज से चालू हो गया है, ये तो शुरू से ही बना गया है, आज 2 महीना पहले से बना गया है, इसमें कुछ सोचने वाली बात है, हर रंग हर दल सबसे मिलकर ऊपर है हिना साहब, एकदम डंका की चोट पे कुछ लोग तो कहबे करी, लोग कहे खाते 25 तारीख के बाद नू कहीं अच्छा उपाय करे पड़ी साइड में रह के, आपके सब रंग बा कोनो रंग कमी नहीं, कम निकल गए कहाँ बा रहली, तू कहीं और जगह रहली, हाँ जीतला के बाद कहीं और जगह बा, ये बे क्लियर बा पासवान जी का रिकॉर्ड टूटे जाता है, रामविलास पासवान जी हाजीपुर में एमपी उनका रिकॉर्ड टूटी, और सिवान के चुनाव से पूरा बिहार के चुनाव समीकरण बदली, मैं कहीं दूर दूर तो कहूँ नहीं के रोज लिखवा ली हमारा से, हमारा नाम संजय कुमार गुप्ता बेलवार घर कौरसा पंचायत के, हम सिवान जिला की जनता हाजीपुर की रिकॉर्ड तोड़ेगी अगली बार सिवान से। चलिए ये थे यहाँ रघुनाथपुर में, और यहाँ पे रामविलास पासवान ने जैसे रिकॉर्ड तोड़ा था वैसे ही सिवान जिला के जनता रिकॉर्ड तोड़ने का मूड बना चुकी है। नरेंद्र सिंह एक्स ब्रांच पंचबल ग्रामीण बैंक रघुनाथपुर, घर मेरा काउंसलर है, इससे पहले के चुनाव से भी हम मैडम के साथ जुड़े हुए हैं, और इस बार भी हम लोग तन मन धन हर चीज लेकर उनके साथ हैं, हमें विश्वास है कि इस बार मैडम रिकॉर्ड मत उसे जीते, पहले तो आरजेडी के सिंबल पे लड़की के चुनाव तो जनता के मन से ही निर्दलीय चुनाव मैदान में, न तो ठीक है हम आरजेडी से लड़ी थी तो हम लोग उनके साथ थे, आज है आज भी उनके साथ हैं, हम व्यक्तिगत उनसे जुड़े हुए हैं। चूक कहाँ हो जा रही है, पिछले बार भी हार का सामना कर रहा था, चूक कहाँ हो रही है आप लोगों? देखिए पिछले बार परिस्थिति ऐसा था जहाँ हम लोग चूक गए, लेकिन इस बार अब चूकने वाले नहीं हैं, और जनता हर तबके का समर्थन हम लोग को मिल रहा है, हमें विश्वास है कि इस बार हम लोग विजयी होंगे। हिना साहब ने मिठाई भी खिला दिया आपको, वही मिठाई खा रहे हैं, खुशी की बात है, रघुनाथपुर में कल जाने का उद्घाटन मैडम ने किया और सब लोग लगे हुए हैं मैडम को जिताने के लिए,
अब पूरी व्यवस्था के साथ सब लोग लग गए हैं और हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। पूरा मेहनत हो रहा है जी, क्या लग रहा है क्षेत्र में? सारे लोग, कोई माँ कह के मेहनत कर रहा है, कोई बेटी करके मेहनत कर रहा है, कोई बहन कह के मेहनत कर रहा है, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग लगे हैं। हाँ तो वही खा रहे हैं, मैडम ने दिया भाई मिठाई खाइए आप, ये खुशी की बात है, मिठाई हम खा रहे हैं। काफी अंतर से हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं, ये मोहम्मद साहबद्दीन साहब का बहुत प्यार है आम जनता में, जिसका आशीर्वाद मैडम हिना को मिल रहा है। हिना साहब भी जगह जगह घूम कर कह रही है कि मेरे लिए यह काफ़ी है कि मैं स्वर्गीय मोहम्मद साहबद्दीन साहब की धर्म पत्नी हूँ, और वह प्यार इतना ज़्यादा मिल रहा है कि काफ़ी अंतर से मैडम हिना टेम्पो छाप चुनाव चिन्ह पर जीत रही हैं। हिनापुर में एक तरफा जीत है हिना साहब की, टेम्पो छाप का टेम्पो छाप एक तरफा जीत रही है। बहुत कैंडिडेट है, मगर मोहम्मद डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब के विकास इतना किए हैं कि वैसा अभी 15 साल में कोई नहीं किया है, इस वजह से उनको एक तरफा वोट मिल रहा है। जात पात यहाँ का कोई नहीं है, हर रंग हमारा है, सारा रंग हमारा है, इस बार सारे आदमी एक साथ है, एकजुट है। हिना साहब जीतेगी, कितना कैंडिडेट है उनको जीतना है, जीतना है, जीतना है, एकदम निश्चित है। और भी कैंडिडेट है और कोई भी हो लेकिन उनको जीतना है जी, एकदम बोके है। हर एक वर्ग का समर्थन हम लोगों को मिल रहा है, और जितने भी सवर्ण समुदाय हो या फिर SC ST समुदाय हो या OBC EBC जितने भी समुदाय के लोग हैं, इस बार हिना मैडम के प्रति जो है काफ़ी समर्पित भाव से लगे हुए हैं। वो कह रहा है कि नकली भगवा भी लेकर के घूम रही है हिना साहब, इसको क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भगवा का कब आपको बताया ना कि भगवा जो है वो हिंदू धर्म का प्रतीक है, और जब सारे लोग उनके साथ हैं तो फिर असली और नकली का, हम लोग तो असली है ना जी, हम लोगों का भगवा है और हम लोग मैडम के जो है साथ हैं, और मैडम जो है ना इन सब चीज़ों में कोई भी भेद नहीं करती हैं, और नहीं उनके लिए भगवा हो चाहे कोई भी रंग, मैडम कहती हैं कि सब रंग हमारे लिए है, ठीक है। इस बार क्या लग रहा है इनका? इस बार निश्चित रूप से मैडम जो है विजयी होंगी और भारी मतों से विजयी होंगी। चलिए, इन्होंने कहा कि भारी मतों से विजयी होंगी, और अभी हमारे साथ मौजूद है अजय सिंह के भाई, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ कहेंगे? बहुत कड़ी धूप में आप मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो हम लोग का सौभाग्य है कि जे मैडम के साथ हम लोग मेहनत करने का मौका मिला है। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और कोई प्रश्न करने से पहले आपके सारे प्रश्नों का जवाब मैं दे रहा हूँ इकट्ठे, ठीक है? आपको प्रश्न करने का मौका ही नहीं दे रहा हूँ। इस बार हिना मैडम के साथ सारे कलर है, चाहे भगवा हो, लाल हो, पीला हो, हरा हो, नीला हो, सारा कलर मैडम के साथ है, तो मैडम का जीतना बिल्कुल तय है, बस इतना ही हम कहना चाह रहे हैं। आप लोग फर्जी भगवाधारी है? अरे कलर किसी का लिखा हुआ है कि ये कलर उनका है, ये कलर उनका है, लाल उनका है, पीला उनका है, नीला उनका है, ये तो कलर हम ही अपने बनाए हैं जी, ठीक है? तो सारा कलर जहाँ मिलेगा वहाँ जो है जीत होगा, तो मैडम के साथ इस बार सारा कलर है। अब लड़ाई तो लड़ाई किससे है? ये तरफा जीत है, ये तरफा जीत है मैडम का, किसी दल से थोड़े हैं मैडम, किसी दल से थोड़े हैं मैडम, निर्दलीय हैं मैडम, दिल से हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा उमेश कुमार कुशवाहा।